पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में इंडियन साइंस कांग्रेस का किया उद्घाटन। देश विदेश के वैज्ञानिक पहुंचे मुंबई। मालवीय और वाजपेयी के भारत रत्न पर मायावती ने उठाया सवाल, कहा एक ही जाति के दो लोगों को कैसे दिया गया भारत रत्न। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी के 5 रेंजर हुए ढेर। कोलकाता में जापानी लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी गाइड सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा घर वापसी से नहीं है बीजेपी का कोई लेना देना। Right. My name is Rajiv K. Bajaj, that is RKB, and you're watching me, of course, on Inside Story on Lemon News. Channel ka naam hai Lemon News, mera naam hai Rajiv Kumar Bajaj, aur aap dekh rahe hain mujhko apne favorite program Inside Story par. And why did I say favorite program? Because I felt like saying it. I'm not sure if it's your favorite program, but it is my favorite program anyway because I present it. Yahan par aaj hum baat karenge, Narendra Modi ji Mumbai aaye. Aaj tak parampara yahi rahi hai ki jab bhi कोई भी प्रधानमंत्री जब भी मुंबई आया है उसने मुंबई के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया है, कुछ अनाउंस किया है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कोई अनाउंसमेंट आज नहीं हुई, ना कल हुई। और इसी के बारे में बात करने के लिए कि युवा पीढ़ी के लिए 2015 किस प्रकार का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अभी काम कर रही है, हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी से, बात करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अक्षय मराठे जी इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के भी, और अन्य पार्टियों से भी बात करेंगे कि जहां तक युवा पीढ़ी का प्रश्न है, क्या युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं हैं इस सरकार से। लेकिन उसका हम विश्लेषण तभी कर सकते हैं अगर हम देखें कि पिछले 7 महीने, जो 8वां महीना अभी लग गया है, इन 8 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। Thank you so much, ma'am, and very happy New Year to you. Wish you the same. Wish you the same, and every viewer of Lemon News also very happy New Year. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you so much for joining us. I know you're very busy. I know there are lots and lots of channels all over the place trying to get you on. Thank you for fitting us in, ma'am. In terms of the fact that the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, was here in Mumbai, usually whenever a Prime Minister has come over here, especially at this time, he has always announced a package for Mumbai. He's always announced that, all right, this is what was announced earlier by the previous prime ministers, and this is the kind of relief package that we are giving to Mumbai. Like for example, the Mithi River is concerned, the slum rehabilitation is concerned, the drainage project is concerned, the Brimstovert plan is concerned. Now, my point is, this time the prime minister has come over here and has said virtually nothing, ma'am. No, this is not just his first trip to Mumbai. This is just about many of his trips ever since he's become the prime minister, and I do not remember him speaking anything in concern of Mumbai, as far as Mumbai is concerned. जी. Considering हमने देखा कि किस तरीके से कल local trains हमारी बंद हुई थी, किस जी. तरीके से एक चैलेंज था, उस पे भी प्रधानमंत्री जी कुछ टिप्पणी कर सकते थे, पर उस पे भी वो चुप्पी बांधे रहे जी. तो बहुत स्पष्ट है कि जो इलेक्शंस में उन्होंने बातें की थी, मुंबई आकर हम बातें करते थे, तो बहुत क्लियर है कि उनका संबंध जो है मुंबई से वो फिनेंस की तरफ है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके कामों में आते हैं, उन्हीं की बातों में बात कर चले जाते हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ हाउ मुंबई कैन बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिटी। वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टॉक्स, बट वी हैवंट सीन एनी कॉन्क्रीट एक्शन एज फार एज यू नो एवर सिंस दिस गवर्नमेंट हैज बीन थ्रोन इन प्लेस। तो यही है कि जो भी झूठी बातें कही थी, बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो अब सब उसका जो सच्चाई है खुलती हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री आते रहते हैं, वो उनका कंसर्न मोर है कि वो अपने अपने अपनी ऑडियंस को एड्रेस करें और चले जाएं। जी, कहने का मतलब ये हुआ, मैम, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार चुनाव के दौरान अलग अलग वादे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाई गई, चांद तारे पूरा ब्रह्मांड सब कुछ दिखा दिया गया,
ये कह दिया गया कि भाई अब आप इंतजार कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को बुला लीजिए, आपकी एक एक समस्या का हल निकल जाएगा बहुत ही जल्द, यानी 4 हफ्तों में, कई लोगों ने कहा 8 हफ्तों में, कई लोगों ने कहा 4 हफ्तों में, कई लोगों ने कहा 100 दिन में। 100 दिन के अंदर अंदर भारत का जो पूरा काला धन पूरे संसार में है वो वापस आ जाएगा और एक एक भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। मैम मेरे अकाउंट में तो अभी तक 15 लाख रुपए आए नहीं है, आपके अकाउंट में आए, आपके अकाउंट में आए। का इंतजार कर रही हूँ जो मेरी बैंक से आएंगे और मुझे ये खुशखबरी देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा किया है और मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। जी नाउ नाउ बट दिस इज इररिस्पांसिबल, माय पॉइंट इज वी कैन लाफ अबाउट इट राइट नाउ बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर नाउ, हाउ कैन यू मेक सच प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट्स It's during the course of your campaign and then do nothing about it. That's what I want to know, ma'am. No, I'll tell you something. We agree, we admit that Congress ने अपनी जो काम किए थे उनका प्रचार नहीं कर पाई थी और लोग डिसिल्यूजन से थे, काफी मुद्दों को लेकर डिसिल्यूजन थे जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई थी। पर जीत भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वायदे कर लिए थे, बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की थी देश की जनता को और जो जो चीजें उनको लगती थी कि लोग सुनना चाहते हैं वो बोल बोल कर या उसके बारे में बड़े बड़े वायदे कर प्रधानमंत्री बोले हैं। उस समय वो कैंडिडेट थे, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, उनको लगा था इलेक्शन के दौरान वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं और कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। वहीं उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़े वायदे किए थे सत्ता में आने के लिए, सत्ता पाने के बाद जो जो वादे थे सब पे यू टर्न हुए चले जा रहे हैं। आप उनका कोई भी कैंपेन उठाकर देख लीजिए वो भी एक मार्केटिंग गिमिक ज्यादा है रादर देन ऑन ग्राउंड सपोर्ट। आज आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वो जहां जाते हैं आप मुझे एक ऐसा ठोस कदम बताइए प्रधानमंत्री की तरफ से जहां पे उन्होंने फंड्स एलोकेट किए हो या कोई स्कीम बनाई हो जिस या कोई योजना बनाई हो जिससे हम मैम ही वाज इन मुंबई, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू द ब्रिमस्टोन प्रोजेक्ट। It has been, you know, gathering dust for such a long time. The Brihan Mumbai Storm Water Drain Project, जिसके लिए World Bank का पैसा आया पड़ा है, और अभी तक जो हमारी BMC है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की मेजोरिटी है, आज तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई है। मेरा ये कहना है कि साउथ मुंबई में और अलग अलग जगह पर मुंबई के सबब्स में भी हर जगह पे सुवेज और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है मिक्स होती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हर साल फैलता है मुंबई में। मैं ये जानना चाहता हूं कि झाड़ू लेकर के आप सिंबॉलिकली आप सड़क को साफ कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, वेयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? राजीव जी हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बुलेट ट्रेन के बारे में बात करते हैं, सपने दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन की बहुत बहुत बड़ी बात करते हैं और जब रेल बजट आता है तो जो मुंबई की लोकल ट्रेन है जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या उसको सेंटर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर महाराष्ट्र में आनी चाहिए उसके बारे में नहीं कुछ करते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था मुंबई मुंबई के लिए बहुत कुछ करेंगे, मुंबई में बिजनेस लाएंगे, मुंबई को उसका दर्जा देंगे जो होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है मुंबई को लेकर। वहां गुजरात की चीफ मिनिस्टर मुंबई आती हैं, महाराष्ट्र को कोस कर जाती हैं, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को गुजरात में इनवाइट करती हैं। आई एम सॉरी टू से ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पॉलिटिसाइजेशन किया है, ना कि डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट की बात की है पर उसकी तरफ कुछ काम नहीं किया है। मैम वन फाइनल क्वेश्चन, आई नो एट द मोमेंट विद अस प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर द कांग्रेस पार्टी, I know you're very busy, but one final thing from you. I need your analysis. You are also a very young person. I've got a very young person sitting with me in the studio from the Aam Aadmi Party. We've got lots and lots of other young people also online with us in various, in various capacities from various places. What do young people have to look forward to as far as this government is concerned, considering their record of the last 7 months? Let me put it to you. क्या हुआ है? धर्मांतरण हुआ है. क्या हुआ है? सो कॉल्ड घर वापसी का प्रोग्राम हुआ है। क्या हुआ है? कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं हर जगह पे। क्या हुआ है? सरकार ये कहती है हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोग कुछ और कहते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो मुझको बहुत ही घिनौनी और घृणापूर्वक लगती है, एक संगठन जो तथाकथित तौर पर अपने आप को संघ परिवार का हिस्सा बताता है, संघ परिवार ये कहता है कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बताता है सो कॉल्ड हिंदू संघर्ष समिति और हिंदू महासभा गुड़गांव में ये कहते हैं कि नथुराम गोडसे का मंदिर बनाएंगे, नथुराम गोडसे का स्मारक बनाएंगे, नथुराम गोडसे ने जो गांधी जी का कत्ल किया उसको लेकर के नथुराम गोडसे को एक देशभक्त बता रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य तक नहीं आता है। मैम
हाँ, आई जस्ट टेल यू समथिंग, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर टू थिंग्स, दे आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर बेटर एजुकेशन. नोबडी वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर बेटर एजुकेशन, दे कैन वेरी वेल वांट इट हैपनिंग इन देयर ओन कंट्री. अगेन ये चीजें, बातें फिर से मैं कहूंगी, कही गई थी उस समय पर जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे. पर अब हम देख रहे हैं कि एचआरडी जैसे जिम्मेदाराना जो पोर्टफोलियो होता है वो ऐसे महिला को दिया गया है जो समहाउ उसको जस्टिस नहीं कर पा रही हैं. कि आज जो हम लोग रोज देख रहे हैं किस तरीके से आईआईटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है, आने वाले समय में किस तरीके की एजुकेशन हम यंगस्टर्स को मिलेगी. अगर हम ग्रोथ की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो अगर इस तरीके का एक डिविसिव एजेंडा बना रहेगा तो कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है, जहां पे कोई एक एक लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा है, डिविजन की बात हो रही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, तो कौन सा ऐसा फॉरेन इंस्टीट्यूट है जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा राइट नाउ. तो जिस तरीके की अनसर्टेनिटी बन रही है वो आने वाले समय में, आई नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स वोटेड फॉर द भारतीय जनता पार्टी इन द होप ऑफ डेवलपमेंट और व्हाटएवर. I would be aware and they would be stressed कि इस तरीके का अगर चलता रहा और जहां पे प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी बांधे रहेंगे तो दे कैन से गुड बाय टू गुड जॉब, दे कैन से गुड बाय टू ग्रोथ, दे कैन से गुड बाय टू गुड एजुकेशन, विच इज गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्रैशिंग ऑफ देयर ड्रीम्स, अ क्रैशिंग ऑफ अ पर्सन दैट दे सपोर्टेड एंड दे बिलीव्ड इन. And it is something that, you know, Mr. Modi would be held responsible for. Now, Priyanka ji, just a continuation of the same question. The Maharashtra Assembly and rather the Maharashtra government, not the Assembly, the Maharashtra government had issued a notification with regard to 5% reservation for Muslims in educational institutions and 10% for Marathas. The Bombay High Court ruled very, very clearly that whereas the reservation for Muslims is absolutely legal, the one for Marathas is not. That ordinance was allowed to be lapsed. इस नागपुर असेंबली में उसको रेटिफाई करना चाहिए था, उसको लैप्स होने दिया और मराठा रिजर्वेशन को लेकर के आगे बात चल रही है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को आपने लैप्स होने दिया. प्रियंका जी बताएं. No, I would not want to comment on something like this because it would personally, I do not believe in these reservations. Firstly, I would want to see equal opportunities given to everybody. But the Congress government did it, ma'am. No, I do. I agree. I'm talking about personally, on a personal level, I would want gradually to see that such kind of reservations do not happen. Everybody gets an equal opportunity in the country, whether it is Marathas, whether it is any of our, castes, any of our religions. I think most young people would agree with you. No, I totally understand where they're coming from. I would, being amongst the younger lot myself, as far as politicians are concerned, I would believe that moving ahead, we would look at, a scenario which does not need reservations, but we would want our Muslim brethren also at the same level, at their education at the same level as any other youngster who does not need a reservation to get a job, to get your employment. Well, that's wonderful. So which means you need scholarships, which means you need greater education subsidy, which means whichever are the weaker sections of society, you give them free education right up to the 12th standard. Yes, make a level playing field for everybody. So if you see a particular group which is not doing as well, we try to help that, Absolutely. Reach out to that group and ensure that they get an equal playing field. So is that being done? Do you see it being done? Which is again an unfortunate thing when someone speaks about Sabka Saath, Sabka Vikas, but plays the dirtiest politics possible on caste and religion, yes. And you see someone who's totally quiet about it, head of the country, totally quiet on something like this, that is what causes a reason for worry. It is a reason for worry for the entire nation, especially the youngsters who have voted for someone like him, who they believe would ensure that development happens for all, not just for a few. So what should we do? Priyanka ji, aap bataye. I personally think, just listen to this. This is my own personal view. I think you should hang your PR agency. As far as the Congress is concerned, the first thing you should do is you should shoot your PR agency because you guys did a wonderful job, especially where Dr. Manmohan Singh is concerned, and they never projected it, which is the saddest thing. I'd just like to say something. Please, as far as PR is concerned, Congress never believed in public relations. Congress believed in ensuring that people understand what they are being given.
but they were driven to believe that there is something more likely to possible. There's more development which is possible. A PR campaign was created to make people believe that they can reach the sun, moon, and stars, and that's everything right. can come to their home. Absolutely. So people will gradually realize that it's not the PR that drives the country. It is good governance that drives the country. That's right. It is harmony that drives the country. It's a pluralistic society that drives this country, and growth opportunities for all is what drives the country, not a good PR agent. And we saw a very good marketing campaign by Mr. Modi, but that cannot sustain or that cannot answer his governance, what he's given to the people. And the Congress party, being a 130-year-old party, can afford to wait. We are willing to wait. People yes. will definitely realize what they have voted for and what they've got, and they will, right. I'm very certain, understand that PR cannot mean good governance. Right. Thank you so much, Priyanka ji, and all the very best to you. Thank you so much for talking to us. Thank you, and Happy New Year again. Thank you. Well, at the moment with us, we've got Akshay Marathe of the Aam Aadmi Party. Akshay ji, aap batayein. Aapne suna Priyanka ji ko. Aap ye batayein ki jahan tak yuvaon ka prashn hai, main sirf Aam Aadmi Party ki baat nahi kar raha hu. Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party wo party hai jisne takriban 80% yuvaon ka vote apni taraf khinch liya, jiski wajah se Aam Aadmi Party ki performance itni kharab rahi. लोकसभा चुनाव में क्या अब युवा जागे हैं, क्या अब लोग जागे हैं 8 महीने के बाद, यह देखते हुए कि 100 दिन के बाद जो काला धन आने वाला था और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए आने वाले थे, जैसे मैंने कहा भाई मेरे खाते में तो नहीं आए, पता नहीं शायद आपके खाते में आए होंगे, आप ये बताएं कि अब युवा पीढ़ी क्या सोचती है, बताएं। देखिए इस ये जो गवर्नमेंट चुनकर आई थी, नरेंद्र मोदी जी को जितनी यूथ में पॉपुलैरिटी मिली थी, उसका एक रीज़न ये था कि लोग अपने मतलब जॉब्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, एजुकेशन सिस्टम खराब हो गई थी, करप्शन हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म सारे रुक गए थे, पूरी तरह से एक तरीके का पैरालिसिस हो गया था इस देश में, जिसके वजह से सबको ऐसा स्टैग्नेशन वाला फीलिंग आ रहा था। लेकिन जब से मोदी जी आए थे, मैं मानता हूँ लोगों में एक तरीके से एक थोड़ी उम्मीद जाग गई थी, लेकिन सच बात यह है कि आज 8 महीने हो चुके हैं उनकी सरकार आने से, लेकिन मेरे सामने तो कुछ बदला हुआ मुझे नज़र नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ, 3-4 मुद्दे हैं। एक है करप्शन के ऊपर उन्होंने बहुत बोला कि कांग्रेस करप्ट है। हाँ जी, कांग्रेस करप्ट है, लेकिन जब उनकी सरकार बनी, उन जो पिछली सरकार ने लोकपाल बिल पास किया था, इनके सरकार ने अभी तक वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, अभी तक लोकपाल को अपॉइंट नहीं किया है। That's right. चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो अपॉइंट होता है टू कीप अ वॉच ऑन करप्शन इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसका अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर RTI के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है, उनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। यानी इनको, इस सरकार को कोई सीरियसनेस है ही नहीं, ऐसे नजर आता है। आप देखिए, जहां तक आपका खुद का प्रश्न है, आप खुद एक युवा वर्ग से हैं, आप ये बताएं क्या आपको कोई फर्क दिखा है आज की तारीख में? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की सरकार कितने 49 दिन चली, 48 दिन चली, मुझे याद नहीं कितने दिन चली, कितने दिन चली, 49 दिन चली, 49 days, it was a 49-day government. In those 49 days, I know for a fact that as far as Delhi is concerned, Delhi में उन 49 days में the level of corruption, petty corruption, I'm not talking about large corruption, I'm talking about petty corruption, especially at the constable level, especially at the clerk level, especially at the NDMC level, at the MCD level, had very visibly come down. Exactly. मतलब there was a clear cut decrease. I am not a member of the Aam Aadmi Party. I have attacked the Aam Aadmi Party more than anybody else. Let's be very clear. Or as much as anybody else. But I can say this right now कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 49 दिन के लिए दिल्ली में, तो जो कांस्टेबल को आपको ब्राइब देनी पड़ती थी, ट्रैफिक कांस्टेबल को, जो क्लर्क को आपको ब्राइब देनी पड़ती थी डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, घर का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोर्ट क्लर्क को भी जो आपको ब्राइब देनी पड़ती थी, आपको अब वो ब्राइब नहीं देनी पड़ी उस वक्त, लेकिन अब वो दोबारा शुरू हो गया है। आप ये बताएं क्या इधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद क्या इस किस्म का भ्रष्टाचार कम हुआ है, बताएं? देखिए, ये जो सवाल है इसका जवाब मैं तो दे ही सकता हूँ, लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी 49 डेज की सरकार में करप्शन लेवल कम कर सकती है, तो मोदी जी तो 8 महीने से सरकार चला रहे, कुछ भी कम नहीं हुआ अभी तक, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें ना नीयत का सवाल आता है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, वी बिलीव इन रिड्यूसिंग करप्शन, वी बिलीव इन एलिमिनेटिंग एनी फॉर्म ऑफ करप्शन दैट हैरेसेस द आम आदमी ऑफ दिस कंट्री।
But the BJP is not a party for the Aam Aadmi. The BJP is a party for the crony capitalists of this country. It is a party for the large businesses of this country. It is not for people like you and me. It is not meant to solve our problems. Now, this is for our viewers. This is for our viewers. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. Kya Narendra Modi ke aane ke baad, aur Maharashtra mein Devendra Fadnavis ke aane ke baad, kya bhrashtachar ka star kam hua hai? कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? आप अपने जवाब भेजें. सवाल है आपसे, सीधा साधा सवाल है, भ्रष्टाचार कम हुआ है या ज्यादा हुआ है या वैसे का वैसे ही है? आप बताएं. 56767 पर आप अपने एसएमएस भेजें, लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने एसएमएस. एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com. दैट्स insidestory@lemonnews.com. याद रखें, जहां तक लेमन न्यूज का प्रश्न है, यहां पर जो अंदर की बात है उसकी अंदर की कहानी क्या है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं. साफ तौर पे जो मेरा अभी तक तजुर्बा रहा है, करप्शन का स्तर वही है, करप्शन की लेवल वही है, क्योंकि आपके प्रशासकीय अधिकारी बिल्कुल वही के वही हैं. प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ राजनीतिक बदलाव हुआ है. जी हाँ, इतना जरूर है, ऐलान अच्छे हो रहे हैं, अनाउंसमेंट बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. नरेंद्र मोदी जैसा इतना बढ़िया कम्युनिकेटर आज तक कभी हिंदुस्तान ने देखा नहीं, मतलब इतने सालों में आज तक नहीं देखा. पंडित नेहरू के बाद शायद सबसे पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो इतने बढ़िया कम्युनिकेटर हैं. भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, अब भाषण को क्या इंप्लीमेंट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के भाषण को क्या जमीन पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, यह अब आपको बताना है. आई टेल यू व्हाट, व्हाई डोंट वी टेक अ लुक फर्स्ट एट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज डन सो फार. मुंबई में जो कुछ हुआ वो हम बाद में बताएंगे, उसके पहले ये 7.5 महीने, 24 मई को इन सरकार की या 26 मई को सरकार को शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद से अब तक 7.5 महीने हो गए हैं, 8वां महीना चल रहा है. 2015 में हम लोग आ रहे हैं, 2015 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं. आज तक इस सरकार ने क्या किया है, क्या क्या वादे किए गए थे और क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ? यहां पर यह कहा जाता है कि भाई बहुत, अभी तो बड़ी छोटी सरकार है, सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं, अभी आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मेरा यहां पर यह कहना है और लेमन न्यूज का यहां पर यह कहना है, मैं जानता हूं अक्षय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास. मेरा यहां पर यह कहना है, आप प्रतिनिधि हो किसके, हमारे, आप चुनकर आए हो, आपके सर के ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी, तलवार नहीं रखी आपके आपकी गर्दन पर यह कहने के लिए कि आप चुनकर आइए. जिस दिन से आप चुने गए उसी दिन से योर टाइम स्टार्ट्स एट दैट मोमेंट. यू आर अंडर स्क्रूटनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट दैट यू हैव टेकन ओथ ऑफ ऑफिस. एंड नाउ दिस इज 7.5 months. वी वर टॉकिंग अबाउट अ 49-day गवर्नमेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी. यू हैव बीन इन पावर फॉर 7.5 months. फॉर 225 days, 225 दिन आपने सरकार चलाई है. आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ 49 दिन चलाई थी, फर्क है. लेकिन आपने 225 दिनों में क्या किया? लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट. नए साल 2015 की शुरुआत जैसे ही हुई, सबकी जबान पर एक ही सवाल था, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने गए साल क्या उपलब्धि हासिल की. सवाल था कि जिस लहर के चलते प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत हासिल हुई थी और जो वादे उन्होंने किए थे, उनको इन 6 महीनों के बीच कितना अमल में लाया गया. इसके लिए जरूरी है पीएम के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालने की. प्रधानमंत्री मोदी अगर साल 2014 के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में आए तो वो था उनका स्वच्छ भारत अभियान. महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान को जब पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया तो माना गया जिस तरह मोदी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी उसी तरह कांग्रेस से उन्होंने महात्मा गांधी को भी हाईजैक कर लिया. साल 2014 में पीएम ने सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ विदेशी दौरे किए. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश दौरों की शुरुआत भूटान से की, इसके बाद ब्राजील, नेपाल, जापान, अमेरिका, म्यांमार और फिर सार्क सम्मेलन के लिए नेपाल गए. पीएम साल 2015 में यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जर्मनी, रशिया और सिंगापुर दौरे करेंगे. साल 2014 में पीएम ने जिन महत्वपूर्ण कार्यों को किया उनमें मेक इन इंडिया का नारा, स्वच्छ भारत अभियान, बीमा में 49% विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला लिया, रेलवे के लिए 4 अलग विश्वविद्यालय बनाए जाने की भी घोषणा की.
काले धन पर सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह घेर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने से पहले 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का वादा किया था। काले धन पर SIT तो गठित की गई, लेकिन काला धन रखने वालों का नाम बताने के मुद्दे पर जब ज्यादा हल्ला होने लगा तो सरकार की तरफ से 627 लोगों के नाम की सूची कोर्ट को सौंप दी गई, जिनमें 3 लोगों का नाम सार्वजनिक किया गया। सरकार की तरफ से काला धन वापस लाने के लिए फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं मिली है। साल 2014 लोकसभा चुनावों में ब्रांड बन चुके पीएम मोदी को बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी स्टार प्रचारक की तरह इस्तेमाल किया। नतीजतन चारों राज्यों में बीजेपी को भारी सफलता मिली। सरकार सबसे ज्यादा कहीं घिरी तो वो था धर्मांतरण का मुद्दा। संसद के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण का मुद्दा जमकर गूंजा। धर्मांतरण के मुद्दे पर जहां हिंदू संगठन इसका समर्थन कर रहे थे, तो वहीं विपक्षी प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की मांग कर रहे थे। धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन धर्मांतरण पर अपने नेताओं से बयानबाजी न करने की नसीहत दी। कुल मिलाकर ये माना गया कि मोदी राज में हिंदू संगठन हावी हुए। साल 2014 प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी व्यस्त साल माना गया। विदेशी दौरों और चुनाव प्रचार में ही पीएम का सारा वक्त गुजर गया। चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर मोदी ने वादे किए थे, उनके पूरे होने के लिए शायद जनता को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। देखना यह है कि साल 2015 में पीएम नया क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। Right, you saw it. You saw what the Prime Minister has done so far. Ji, Akshay ji, kuch bolna cha rahe the. Akshay Marathe from the Aam Aadmi Party, young man right over here with us. Let's ask him, what do the young people want? Do they believe Mr. Modi? Please go ahead. कैसा होता है, there's this argument always कि you know अभी अभी सरकार बनी है और थोड़ा वक्त दीजिए और थोड़ा वक्त। जी जी बिल्कुल। अगर मैं किसी जॉब पे लग जाता हूँ तो मुझे थोड़ी 6 महीने मिलने थोड़ी वाले कि आप थोड़ा और थोड़ा वक्त ले लीजिए, फिर आप परफॉर्म करना चालू कर दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। आप यू हैव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। और व्हाई इफ यू डोंट परफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट डे, मिस्टर अक्षय मराठे, लेट मी अशोर यू, इफ यू डोंट परफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट डे यू विल बी सैक्ड। एग्जैक्टली नेक्स्ट डे यू विल बी सैक्ड। इन फैक्ट यू हैव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। एग्जैक्टली And why should we not expect this from our government? Our government, Pradhanmantri Modi ji to khud kehte hai ki wo humare sevak hai. If he is our sevak, then he should start performing right from the first day. And ek fir se main kehta hu ki ye jo kehte na ki time do aur time do, theek hai time le lo, lekin shuruaat mein ek step to bata do. For example, if you look at women security ka jo mudda hai, aapne aaj tak 8 mahine mein ek step bata do jo women security ke liye aapne uthaya ho. एक स्टेप बता दो जो आपने करप्शन कम करने के लिए बताया, एक स्टेप बता दो जिससे जॉब्स इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। एक स्टेप बता दो। यू आर यंग मैन, आर यू स्टिल इन कॉलेज, हैव यू पास्ड आउट? आई एम स्टिल इन कॉलेज। यू आर स्टिल इन कॉलेज, यू आर स्टिल स्टडी? आई एम स्टिल स्टडी। नाउ डज द न्यू HRD मिनिस्टर, डज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, नॉट सो न्यू एनीमोर, शी हैज बीन देयर नाउ फॉर ओवर 7.5 months, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट 8 months, डज शी गिव यू द कॉन्फिडेंस that your education syllabus, that your education needs will be very well looked after? Do you get that confidence? To be honest, when she first came into office, I thought ki let's give her a chance, let's see what she's capable of doing. I didn't want to, it's not good to dismiss anybody, you know, right in the beginning. But if you've noticed in the last 8 months, the HRD ministry has always been in news for all the wrong reasons. First, it was the Good Governance Day controversy. अरे भाई, क्रिसमस का एक वेकेशन मिलता है लोगों को छुट्टी का, तो वाई आर यू ट्राइंग टू पुल दैट अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स? देन लुक एट द IIT दिल्ली डायरेक्टर कंट्रोवर्सी, एंड प्रायर टू दैट द 4-year ग्रेजुएशन कोर्स, एग्जैक्टली चेंजिंग द 4-year कोर्स टू अ 1-year कोर्स, एग्जैक्टली। आई मीन इवन नॉट जस्ट दैट, यू लुक एट द यस्टरडे शी अपॉइंटेड जफर सरेशवाला, गुजरात बिजनेसमैन, टू द पोस्ट ऑफ चांसलर ऑफ मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी। आई मीन व्हाट डज दैट गाय हैव टू डू विद द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स? Just because Mr. Zafar Sarishwala, बड़े अच्छे मित्र हमारे, सबसे पहला जो उनका इंटरव्यू हुआ वो यहीं पर हुआ। एक बार फिर मैं आप सबके सामने सबको याद दिलाना चाहूंगा, जफर सरीशवाला को अगर किसी टेलीविजन चैनल ने सबसे पहले इंटरव्यू किया तो यहीं पर इसी शो में लेमन न्यूज पर इंटरव्यू किया गया। जफर सरीशवाला साहब बड़े भले आदमी हैं, लेकिन जफर सरीशवाला इज नॉट एन एकेडमिशियन, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग इवन अ पाठशाला or a madrasa, forget about running a university. Exactly. I mean, that's exactly my point. And only because he's been a vocal supporter of the Modi government, he's being awarded today. Yes. I mean, isn't this the same thing that they had been accusing the Congress of doing? They've been accusing the Congress of cultivating a sycophantic environment in India, and therefore thereby destroying all our institutions. This is exactly what the Modi government is doing today.
by appointing someone who's a sympathizer of the BJP, but who has nothing to do with the field of academics, education. He's not published a single piece of research so far. How can he be the chancellor of a university of the reputation of Maulana Azad Urdu University? It's unbelievable the way they are going ahead with their plans. So what do your friends have to say? Chali, aap to Aam Aadmi Party ke hain. Ji ji. Chali, koi baat nahi. For a minute, I will ignore the topi you are wearing. Jo cap aapne pehen rakhi hai, wo main thodi der ke liye ignore karta hoon. Ji. Aap ye bataye ki aapke aas paas jitne log hain, jo bacche hain, those who want to become professionals, those who want to go into IIT, those who want to go into IT, that is information technology, those who want to go into the field of research, those who want to do some independent, inventive, you know, new kind of thinking, what do they have to say? Are they confident that this government will be able to cater to their needs? Just like, irrespective of whatever you might have to say about the Manmohan Singh government, for the last 10 years, if there was one area which was very well looked after, that was the area of education. And I think it was very well looked after because they did not interfere in that at all. मतलब के उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं था, इसलिए दैट थिंग केप्ट ऑन गोइंग वेरी वेरी वेल. सरकार जितना कम हस्तक्षेप करे किसी चीज में, वही चीज ज्यादा फलती और फूलती है, ये ऐसा मेरा मानना है. आप बताएं. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स फॉर अ मोमेंट अज्यूम दैट आई एम नॉट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी. आई विल एडमिट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ होप विद द मोदी गवर्नमेंट व्हेन इट केम. द यूथ डिड लुक एट द मोदी गवर्नमेंट विद होप. हाउएवर, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट टुडे दैट होप इज रैपिडली वेनिंग. इट इज ट्रू दैट the confidence that people had with the Modi government is rapidly decreasing by every single day, and it is simply because the government seems to have lost its sense of priorities. That they're focusing on communal agendas like ghar vapsi and dharmantaran. मतलब घर वापसी, धर्मांतरण, इसी जगह पर उनका जो ध्यान है वहीं पर आकर्षित है. Exactly. लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस प्रकार आज की तारीख में युवा पीढ़ी को, जैसे हर युवा पीढ़ी को उसकी अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि भाई जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा देश जो है बहुत तरक्की करेगा, इस प्रकार तरक्की करेगा कि और उस नेशन बिल्डिंग का मैं भी हिस्सा बनूंगा. क्या आज की तारीख में, आज की युवा पीढ़ी में वो फीलिंग है या नहीं, ये बताएं अक्षय. देखिए, युवा पीढ़ी को करने को तो बहुत कुछ है, उनकी इच्छा भी है करने की. ऑल दे वॉन्ट इज अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट टू मेक श्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी, पार्ट ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट. But how is that possible without a safe and secure environment, without enough measures taken in the field of women's security? People are willing to work, but if you don't give them a safe and secure environment, if you don't give them a transparent and accountable system to work with, how are they going to do anything? I may be willing to do something today, but I need to be provide the right kind of platform. What about your people? What about your seniors? They've passed out, they've graduated. Have they all got jobs? Are they happy with their jobs? I mean, those guys who passed out, say, in the year 2014, that was the year which coincided with Narendra Modi coming to power. Are they now very well placed? Are they in good jobs? Or do they have to go back to, you know, their father's firms and uncle's firms and this one and that one? And are they still hunting around to make a living? I think the general condition of employment is pretty much the same over the last year. Nothing has changed in that sector. And perhaps you should give more time to the Modi government for something like employment to change some macroeconomic factor. So you might want to give them some more time to change that part of it. But so far, nothing has changed in terms of employment. Do you expect anything to change? The way the country... Considering the fact that, considering how they've worked in these last 7.5 months, do you expect anything to change? The way the government has progressed, the way their priorities seem to be misplaced, I don't expect anything. But I will say that if something changes, I'll be extremely glad as a citizen of this country. Right. But unfortunately, I don't think anything is going to change in the near future. Right, Akshay Marathe, thank you very much for coming on the show and telling us all about what young people feel these days. Thank you so much, and a very happy New Year to you. Thank you so much. Right, time for us to take a break. You heard it. You heard Priyanka Chaturvedi first, and then you heard Akshay Marathe of the Aam Aadmi Party, Priyanka Chaturvedi, of course, of the Congress, and you heard the, how shall I put it, the non-BJP view of life, which is nothing has really changed. All that has changed is that we have a new man in Racecourse Road, and this man is our Prime Minister, and we all respect this man, and we all expect this man really to deliver on his promises. I tell you what, Mr. Modi, we're not against you. Everybody wants you to succeed. Har shaks, Bharat ka har shaks ye chahega ke Narendra Modi ji safal hon. Narendra Modi ne jo jo vaade kiye, agar Narendra Modi, main kehta hoon, 10% bhi wo poore karte hain, to desh ki kaya kalap ho jayegi. Lekin dukh ke saath kehna padta hai कि आज तक जो भी परफॉर्मेंस रही है वो ऐसी रही है कि उसमें उम्मीदें बहुत जागी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं.
इसके पहले कि ये उम्मीद गुस्से में बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी को जाकर बहुत जल्द अपने हर वादे को पूरा करना पड़ेगा. Time for us to take a break. And you, of course, you do keep sending in your SMSs on 56767. आप लेमन न्यूज टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS. And of course, you can email us on insidestory@lemonnews.com. Time for us to take a break. When we come back, we will talk about Pakistan's new attempts at exporting terror to India. And with us, of course, will be Major General Afsar Karim and Lieutenant General Hoon. That's after the break. Global advertisers scaling new heights in outdoor media. बैंकों की हो रही है लूट, बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉरपोरेट लोन माफिया. बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए. आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में, हम करेंगे इनका पर्दाफाश. कॉर्पोरेट लोन माफिया, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर. Right, welcome back. You're watching me. There is RKB. There is Rajiv K. Bajaj on Inside Story on Lemon News. माफ कीजिएगा, आप मुझको देख रहे हैं Lemon News पर. प्रोग्राम का नाम है जनाब Inside Story. और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र मेजर जनरल अफसर करीम साहब. जनरल साहब नमस्कार. जी फरमाइए. जी राजीव के बजाज बोल रहा हूँ Inside Story Lemon News से. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर. बहुत बहुत सेम टू यू. नाइस टू यू. जी जनरल साहब, आप ये बताएं अभी हाल ही में पोरबंदर के पास एक सो कॉल्ड स्मगलर्स बोट को उड़ाया गया या उड़ गई अपने आप, और उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक बार फिर फायरिंग जारी है, और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी जारी है. जहां पे एलओसी वहां तो जारी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जारी है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई अभी ये उम्मीद जागी थी, आपने तो खैर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों की उम्मीद जागी थी, एंड एज यूजुअल यू नो दैट होप्स हैव बीन बिलाइट. आपने जरूर ये कहा था कि यू कांट एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम पाकिस्तान. Now, what does that mean, this, new boat tactic and firing on the LOC of this intensity at this time? General Saab. देखिए अभी जो situation build up हो रही है जी, वो बहुत hostilities हैं दोनों साइड से जी, और ये इस मौके पे होती है जबकि कोई लड़ाई शुरू होने की उम्मीद होती है जी. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी अभी लड़ाई के काबिल नहीं है जी, और ना हमने शायद इरादा किया है, ना कहीं फौजें मूव की हैं जी, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉर्डर की लड़ाई है ये चलती रहेगी जी. उसके अलावा एक नया डायमेंशन पाकिस्तान ने ऐड कर दिया कि हम आपके ऊपर कोस्टल एरियाज में सी के थ्रू अटैक करने की कोशिश करेंगे जी. तो ये उसका एक नमूना था, और ये क्योंकि बोट काफी बड़ी थी और केयरलेसनेस थी शायद उनकी या हमारी विजिलेंस थी कि हमको पता लग गई जी. उनका इरादा तो मालूम यही होता था कि किसी हावर में जाके अपने को उड़ा लेते या दूसरों को दे देते उड़ाने के लिए जी, तो काफी नुकसान होता हमारा. लेकिन जनरल साहब, वो जो इलाका है पूरा कच्छ की तरफ जो पूरा इलाका है जी, वैसे भी इट इज अ स्लाइटली इनहॉस्पिटेबल रीजन, और वहां पर जो पहले भी बीएसएफ वगैरह की जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी वहां से पहले भी, क्योंकि मुझे याद है कि आई हैव बीन टू दैट एरिया, यू नो मतलब यू नो पोरबंदर यूज्ड टू बी नोन एज अ स्मगलर्स पैराडाइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अभी सूरत हाल वहां पर क्या है, इन केस यू आर नॉट रिवीलिंग एनी इंटेलिजेंस और समथिंग लाइक दैट, बट अभी आप जरा बताएं कि यू नो डू वी हैव दैट एरिया मैप्ड आउट वाया सैटेलाइट एंड अदर थिंग्स सर.
देखिए वो तो सब सैटेलाइट और मैपिंग वगैरह क्लियर है, लेकिन कोस्टल एरिया इतना बड़ा है हमारा जी कि कोई जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट पे उतरे वो उस जगह पे जाके जहाँ उनको अटैक डायरेक्टली करना हो जी। तो जैसे ये क्या सामान ले जा रहे थे और अगर ये किसी और को हैंड ओवर करते जी और वो फिर उसको इस्तेमाल करते डायरेक्ट अटैक भी हो सकता, लेकिन ये मुंबई टाइप का अटैक नहीं था क्योंकि चार आदमी एक्सप्लोसिव के साथ मुंबई टाइप का अटैक नहीं कर सकते थे, लेकिन ये अटैक इस टाइप का कर सकते थे कि किसी हार्बर में चुपचाप चले जाते जहाँ शिपिंग होती और शिपिंग को उड़ाने के लिए फिर ब्लो अप कर लेते। और दूसरी चीज अब तो ये भी हो गई है कि बहुत जगह पर प्राइवेट पोर्ट्स भी बन गए हैं अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी है, दैट इज ऑल्सो इन प्राइवेट हैंड्स, यू नो पिपा पोर्ट है, बाकी हर जगह पे है, और भुज का जो एरिया था वो शुरू से ही मतलब वहाँ पे अपनी पोस्ट भी होती थी पहले, भुज का जो एरिया था वो पहले से ही बहुत सेंसिटिव हुआ करता था, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज दैट द कच्छ एरिया एनी वे हैज बीन एन एरिया व्हिच हैज नॉट बीन पेट्रोल्ड वेरी मच बाय अस। Very no, now it has been patrolled and is under surveillance. I have served in that area. Ji. And that Kutch is not a problem really. Ji. Because there is nothing much there. Ji. But our coastal area south of Kutch and all this area, Porbandar and beyond, Ji. Where there is a possibility of major attack, where it will be attract world attention. तो अभी तो पोरबंदर की शायद बात हो रही है क्योंकि वहाँ कॉन्फ्रेंस थी और कुछ और चीजें हैं जी, लेकिन ये जरा डिटेल में पता लगेगा जबकि हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे किस टाइप का अटैक था या सामान डिलीवर करना था या क्या मकसद था उनका। लेकिन जनरल साहब ये जरूरी है कि टेररिस्ट उसमें जरूर शामिल थे, नहीं तो ब्लो अप नहीं करते अपने। जी दुरुस्त बात है, अगर स्मगलर होते तो अपने आप को ब्लो अप नहीं करते, वो तो सवाल नहीं करते कभी। जी दुरुस्त बात है, मतलब वो तो either they would have given up or they would have done something else or they would have tried to make a deal। वो तो handover भी करते थे या भागने की कोशिश करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये तो जो काफी well trained और indoctrinated terrorists हैं वही blow कर सकते हैं। जी दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पे जनरल साहब दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आज दुनिया की नजरें अलग अलग जो भी कॉन्फ्लिग्रेशन पॉइंट है वहां पर है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो भी है वहां पर है, क्या आज पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि आप यहाँ पर एक बार फिर हिंदुस्तान के भीतर इस किस्म का अटैक करवा दें और हिंदुस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, इस किस्म का अटैक वो नहीं करेगा, दूसरे किस्म का अटैक करेगा। अब मान लीजिए अगर दो तीन शिप आपके ब्लो अप हो जाते जी, तो आप उसके लिए वॉर पे तो नहीं जा सकते जी। अनलाइक अटैकिंग मुंबई एंड किलिंग पीपल, मुंबई इज अ डिफरेंट इशू जी, तो उस टाइप का अटैक तो नहीं करेंगे वो जी, लेकिन ऐसे अटैक जरूर कर सकते हैं जिससे कि आपका नुकसान हो और उनकी वो हो कि पूरी दुनिया में कि टेररिस्ट अटैक आ रहे हैं इंडिया पे। और लेकिन ये सिचुएशन काफी एक्चुअली वरीसम है इन द सेंस नॉर्थ के नुकसान के लिए, क्योंकि दो नेबर्स हैं उनके, ये अगर यही चलता रहेगा जी, फायरिंग चल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन, ये रुकेगी नहीं। दुरुस्त बात है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि भाई हमारे तो हित में है ही नहीं, बिकॉज एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर हैविंग टू स्पेंड मनी रिसोर्सेज मटीरियल मैन यू नो इन जस्ट स्वॉटिंग अ मस्कीटो, इट्स लाइक ब्रिंगिंग यू नो हाउविट्जर टू डिस्ट्रॉय अ मस्कीटो, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, डज पाकिस्तान हैव अ डेथ विश? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर। देखिए पाकिस्तान इज अ नॉन थिंकिंग कंट्री, it's a non-thinking country, now that's a new one, right? Yes, because that is why they were in this trouble. Ji. Look at the trouble inside, look at the trouble on the Afghan border, look at here. So if they were thinking people, Ji. And they wouldn't do this. But absolutely. You see, another point must be noted, Ji. That Pakistan is selling a propaganda to the world that it is not Pakistan which is attacking India. Yes. But after Modi government has come, belligerence is from India. Right. And that is why it's important to catch people in this kind of a boat and prove that it's Pakistani, because they are already insinuating that Pakistan is not involved in this. Right. In other words, they are saying either India has staged it or there's somebody else. Right. So all that is a propaganda fight and terrorist type of fighting and asymmetrical warfare, Pakistan is going to escalate. Don't think, give them any rationale, because they'll say what we can do to India. Now over here, the funny part over here is when the Pakistanis talk like that, A, its credibility is really and truly
virtually nil, because if you look at all the foreign channels, whether you look at Fox News, whether you look at CNN, whether you look at BBC, whether you look at Al Jazeera, the Pakistani argument is usually laughed out. I'm only going by the media reports that we are getting from all these countries. Yeah, quite right. That is part one. Part two, yeah. Of course, is that as far as Pakistan is concerned, the Baluchis still have not gotten over the fact that the Pakistani forces got together and actually murdered Sardar Akbar Khan Bukti. And, exactly. And that rebellion is still brewing over there. The federally yeah. administered tribal areas of Fatah, that region yeah. already is on the boil. The region yeah. in and around Peshawar is also on the boil. Yes, quite right. Sindh just needs a small little spark to spark off one more conflagration. It's been quiet now for some time. I hope that conflagration does not take place. But in any event, in Pakistan, you already have a situation where apart from Lahore, everywhere yeah. else, everywhere else, there have been terrorist attacks practically every 2 weeks. Now, in that kind of a situation, you may be absolutely right that Pakistan is a non-thinking nation. That's exactly what I'm trying to ask you, sir. Do they have a death wish? Do they want to self-immolate? Is that what Pakistan is trying to do? General Sahab. You see, they are feeling very safe because they are getting aid from America, from Saudi Arabia, and a lot of assistance from China. Gee. So they are not feeling that they are very vulnerable. Right. And they feel that we can keep on bleeding India one way or the other. Right. India can't do much. India can't attack us like that. And we are also a nuclear weapon country. And yes. so on and so forth. So that's what I'm saying. They don't realize that what they, and India has got much more at stake because it's a progressing country. Yes. Pakistan is a regressing country. Yes. It's a desperate country. And a non-thinking, as I said. Therefore, they can do all these things. Now, over here, one final question to you, sir. Yes. Now, you have a boat coming in. You have two boats coming in. One of them blows itself up. Yes. You have firing from across the border. Yes. You have infiltrators coming in various, you know, forms and sizes. And yes. you also have so-called non-state actors like that Hafiz Saeed and other people. Yeah. I really don't want to give too much of importance anyway to Hafiz Saeed and people like that. But yes. you do have a lot of non-state actors over there who are yes. actually sponsored by the state, who are yes. out there to claim every little terrorist attack on India as having yes. been planned by them. They're out there to claim credit. Now, right, right. How will the Americans explain back home in the United States that we are giving your billions of dollars of American taxpayer money to this state, which we say is otherwise fostering and nurturing terrorism? Sir? They have got a very simple explanation. They say that if we don't pay this money to Pakistan Army right. and to Pakistan, then the nuclear weapons they have got yes. will go out of our control and perhaps fall in the hands of the terrorists. So therefore, we have to keep them in control by this method. And not become a totally rogue state. That's one explanation they give. Right. So which is the reason why the Americans have had a bloody nose in whichever conflict, whichever theater of conflict they've gone into, whether it's Korea, whether it's Vietnam, or whether it's Iraq. And that, I think, is rather sad. But General Afzal Karim, thank you so much for talking to us, sir. And very, very happy New Year to you again. Thank you so much, sir. Thank you. Right. Now, at the moment with us, our very old friend, General Hoon as well. General Sahab, namaskar. Happy New Year. Happy New Year to you, sir. Happy New Year. Adab. Adab. Naya Saal Mubarak ho, sir. Assalamu alaikum. Sir, ye batayein ki bhai abhi Pakistan ki taraf se do boat aayi, ek boat ne to apne aap ko blow up kar liya. Dusri taraf LOC ke upar phir dobara inhone firing shuru kar di hai. Haan ji. Ab aap ye batayein ki matlab main wahi General Afzal Karim se pooch raha tha ki do the Pakistanis have a death wish? Aur General Afzal Karim ka ye kehna hai ki bhai Pakistan is a non-thinking country. मतलब उनमें कुछ सोच विचार नहीं है उनका उसका बस ये है कि भाई चलने दो वी विल ब्लीड इंडिया विद अ थाउजेंड कट्स नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग टू देमसेल्व्स बिकॉज़ व्हेन द रिटेलिएशन कम्स फ्रॉम हियर द पाकिस्तानीज विल हैव नोवेयर टू हाइड जनरल साहब वेल सर लेट मी टेल यू वन थिंग इट्स नॉट अ रिटेलिएशन दैट्स गोइंग टू कम फ्रॉम अस द पिक्चर इज डिफरेंट एज फार एज माय हेड इज कंसर्न्ड यू सी व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड In Pakistan today, the defense minister of Pakistan, Khwaja, you see how that boat came in. Gee. The boat came from Karachi
Porbandar. Yes. So apparently, they are linked to something. They won't be so foolish. Yes. Along with that, the firing has started going up. Yes. Right from Samba. Right. Going to Kathua. Yes. And they are again playing the same game by saying that they come with white flags and they kill us. That's not Indian troops. Gee. We are not accepting that because none of us can ever do that. Right. The second thing I'd like to tell you that today I am a little confused as to who is running Pakistan. Right. Is it the Prime Minister? Is it the ISI? Is it Imran? Yee. Is what I think I don't know, but yes, it is going to be run by Hafiz Saeed. You remember Yee. That, what I'm saying. Now, this is going to happen, which I hope that Pakistan understands. As far as we are concerned, we are very helpful Yee. To them. We are ready to be friends. We are ready to have economic ties. We are ready to do everything. But it's not going to happen because Pakistan is telling lies. Sir, यहाँ पर आपके सामने मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पेशावर में जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ और 132 या 133 बच्चे मार दिए गए उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गई हमारे यहाँ पे लोगों को ऐसे लगा कि हमारे खुद के बच्चे हलाक हुए हैं यहाँ के लोगों ने यहाँ के स्कूल के बच्चों ने दो दो मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में जो बच्चों के साथ ट्रेजडी हुई है उसको लेकर के दैट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू कम टुगेदर विद इंडिया टू फाइट टेररिज्म इंस्टेड ऑफ दैट दे आर नाउ रिजॉर्टिंग टू दिस आई सर वॉन्ट टू नो यू हैव डेल्ट विद द पाकिस्तानीज इन द पास्ट वॉट इज इट विद देम वॉट डू दे वॉन्ट डू दे वॉन्ट टू सेल्फ इम्प्लोर्ड डू दे वॉन्ट टू कमिट सुसाइड Do they want to slit their own throats just to prove that their knives work? Is that what the Pakistanis have come to now, General Sahib? Well, it's a very, very long story. As far as the cutting of the heads was concerned, Gee. Both our soldiers, they came out with a grand thing that this was done by the Lashkar-e-Taiba, it was done Gee. By so-and-so. The attack in Peshawar, it was one of the most shameful things that have ever happened in the world. That's right. Absolutely. And what did they say? India gave it. India started it. India gave, is the person. So anything that happens, they say India does it. Now you see what is the position. They send a boat from Karachi. They know that Obama is coming. 26. They are trying to do something. Because even they came to Porbandar. Porbandar is a port which is just next to our state where our Prime Minister comes from. Yeah. Well, it's very good that congratulations to the Coast Guard. The boys. They've done a wonderful job as far as the Coast Guards are concerned. Gee. Now you see what's happening in Pakistan. Yeah. They have started in Samba. They have started in Kathua. Gee. And they are indiscriminately killing the innocent people. Now, I don't think that is a correct thing. But the boot is on the other leg. You wait and see that the moment the Americans withdraw from Afghanistan you're going to see Pakistan becoming a rogue state. And who is going to control it is Hafiz Saeed. That's my appreciation. Or people like Hafiz Saeed. Has to be. He's got an army of 30,000 people. And no one can touch him. Why don't they arrest him? He does so many things. Why don't they arrest him? They have no guts. The army, ISI is also gone. Which previously used to do. And there's a price on his head. The Americans have put a price on Hafiz Saeed's head. And yes. In spite of that, the Pakistanis are not doing anything about it. Lekin yahan pe General Sahab, aapse main janna cha raha hoon ki Pakistan ko takriban 3.5 to 4 billion dollars mil rahe hain har saal aid mein America se. Ab sabko pata hai, aur ye American reports hum log quote kar rahe hain. Hamari Hindustani report nahi hai.
ये CIA की रिपोर्ट है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उनके थिंक टैंक जो रैंड कॉर्पोरेशन है उसकी रिपोर्ट है, जो डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके उनकी रिपोर्ट है कि भाई पाकिस्तान किस तरीके से पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इट इज़ द नर्सरी ऑफ टेररिस्ट, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, और उसके बावजूद अमेरिकन उनको $4 बिलियन साल के दे रहे हैं। मतलब मेरी कुछ समझ के बाहर है ये, आई डोंट थिंक द अमेरिकन आर सो फुलिश। जनरल साहब, हाँ बिल्कुल आपने जो बोला है दुरुस्त बोला है जी, क्योंकि इस वक्त वो इनको पैसे दे रहे हैं क्योंकि इनके भी ट्रूप्स हैं उधर और अफगानिस्तान में, और ये बजाय के अपने कंट्री को बढ़ाएं, सड़कें बनाएं, इकोनॉमी उठाएं, ये तो IS भी शुरू कर दिया है जी। पूरे वर्ल्ड में दे वांट इस्लामाइजेशन जी। I just don't know कि ये क्या करते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, बताएं कि हिंदुस्तान जो है ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट है जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। हमारे वो भाई हैं जी, हम इधर रहते हैं, हम उनके साथ हैं जी, और आप देखिए कि वो उन्हीं को मार रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि जहां तक हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रश्न है, पार्टीशन के वक्त हिंदुओं के पास सिखों के पास कोई चॉइस नहीं थी, हिंदू और सिख फैमिली जितने थे उनको हिंदुस्तान में ही आना था, मुसलमानों के पास चॉइस थी, सो दोस मुस्लिम्स हु स्टेड बिहाइंड आउट ऑफ चॉइस दे चोज इंडिया, करेक्ट, तो वो तो असल हिंदुस्तानी है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, तो यहाँ वो तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, आज की तारीख में मियां नवाज शरीफ, चलिए ठीक है ही इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहा जाता है, आई डोंट बिलीव दैट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट इन एनी इवेंट लेट्स गो विद इट फॉर द मोमेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द पाकिस्तानी इज ऑल्सो हैव अ ह्यूज यू नो एजुकेटेड क्लास, some of their officers, when we talk to them, especially the army officers or air force officers or naval personnel, they talk in a very articulate manner, their journalists are very articulate, they are as good or as bad as we are, so but what happens to them collectively, that's what I want to know, don't they see what they are doing to their country? General Saab, you have dealt with them, kya Pakistan ko aur Pakistani awam ko, especially Pakistani elite ko, unko ye dikh nahi raha hai ki wo apne mulk ke saath kya kar rahe hain? General Saab, They have no idea what they are losing जी. and what they are going to finally land up. इनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हम मुस्लिम पॉपुलेशन जो हमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब आज हिंदुस्तानी है जी. और वो हमारे साथ खड़े होके किसी जंग में भी जाएंगे, और जान भी हम देंगे और वो देंगे जी, दुरुस्त बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है जी. लेकिन ये आपस में ही है, आप देखिए मुसलमान मुसलमान को मार रहा है जी, और ये ब्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान ने किया है जी, तो ये एक पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि लास्ट फ्यू मंथ्स रह गए हैं इसको, एक तो ये भूल जाए कि कश्मीर ये कभी लेंगे जी. वो तो हम देंगे नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, बल्कि बहुत जमीन है जो कि हमारी है जो इन्होंने इलीगली ऑक्युपाई की हुई है, एंड बाय द वे देयर इज अ पार्लियामेंट रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, बिल्कुल पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि वो पूरी जमीन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, एवरी इंडियन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रीटेकिंग इट फ्रॉम पाकिस्तान जी, राइट राइट, सो ये इनको समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे तो दुख होता है कि मैं भी उधर का ही हूँ, अहमदाबाद का हूँ जी, बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन आजकल तो ऐसे हो गया है कि कोई सुनता ही नहीं, स्वाय एक चपेड़ पड़ती है तो हम तो अब ठुड्डा भी मारने को तैयार है। मैं आपको बताता हूँ और मैं इनको पाकिस्तानी को वार्न करता हूँ कि आप यू विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ जी, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कहने का मतलब ये हुआ, अभी जनरल हुन साहब ने जो कहा पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, आप जरा जाग जाएं, ठीक हो जाएं, वरना आपका धरती से नामो निशानी हट जाएगा, ऐसा जनरल हुन साहब ने कहा है, और ये हमने प्रूव भी किया है जी, कि जब भी आपको याद है कि सियाचिन ग्लेशियर जी ये हमारा था जी, लेकिन मुशर्रफ था उधर जी, और ये कहते थे कि ले ही नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, लिया ना हमने, बिल्कुल लिया, उसमें मुस्लिम ट्रूप भी थे, हिंदू भी थे, सब थे जी, तो हमने लिया ना, यू वर द कमांडिंग ऑफिसर एट दैट टाइम, वी आई वाज द जीओसी हु लॉन्च्ड द राइट सर
سیچن گلیشیئر تھے. تو آج میں نے ان کا ایک خواجہ تھا ایک چینل پہ اور وہ بول رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہا دیکھو تم زیادہ نہیں بولو, کیونکہ جب آپ لوگ کہتے تھے کہ سیاچن ہم دیکھتے ہیں کون لیں گے کون دیکھے گا ہم دیکھ دیں گے, میں کہا سیاچن لے لیا نا ختم ہو گیا. اس کے بعد absolutely اور نواز شریف کو not نواز شریف مشرف کو میں مل کے آیا ہوں, جی ضیاء الحق کو میں مل کے آیا ہوں اور وہ بالکل ٹھنڈے تھے اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا. اب ان کا ایک اور چیز ہے جو کہ میرے دماغ میں ابھی آئی ہے آپ کے کوشچن پہ کہ یہ ان دی اینڈ کیا کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے. ارے نیوکلیئر ہتھیار تمہارے پاس ہے, پورے وشو میں نیوکلیئر ہتھیار ہے. پر ان کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ویری لیس لینڈ بیسڈ ہے, ان کی لینڈ زیادہ نہیں ہے. جی یہ ہمارے اوپر 10 بم چلا بھی دیں گے پھر بھی ہم جیتے رہیں گے. That's right. لیکن 10 ہم ان کے اوپر پھینک گئے تو یہ ختم ہو جائیں گے. Right. India will be severely damaged in case there is a nuclear attack. Yes. But Pakistan will be wiped off the face of the earth. Absolutely. That's what's going to happen. General Saab, thank you so much for talking to us. It's been a great pleasure talking to you. I hope the Pakistanis wake up and I hope they behave sensibly. And I hope at least they do something for their future generations if not for themselves. Yes. Right. Happy New Year, sir. Thank you Happy so much. Happy New Year, sir. Thank you. Thank you so much. General Hoon Saab, یہ کہتے ہوئے کہ آج اگر پرمانو ہتھیار استعمال بھی ہوتے ہیں ہندوستان کو بہت تکلیف ہوگی مانتے ہیں لیکن پاکستان کا نام و نشانی نہیں رہے گا یاد رکھیں. Right. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. آج کے Inside Story میں صرف اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں Lemon News. As far as we are concerned, we'll of course be back over here tomorrow. Till then, bye-bye. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में इंडियन साइंस कांग्रेस का किया उद्घाटन. देश विदेश के वैज्ञानिक पहुंचे मुंबई. मालवीय और वाजपेयी के भारत रत्न पर मायावती ने उठाया सवाल, कहा एक ही जाति के दो लोगों को कैसे दिया गया भारत रत्न. पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर. भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी के 5 रेंजर हुए ढेर. कोलकाता में जापानी लड़की से गैंगरेप. पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी गाइड सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा घर वापसी से नहीं है बीजेपी का कोई लेना देना.